अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया से सबसे बड़ी अपडेट आपको देते चले। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी को आराम देने पर गौर किया जा रहा है। कप्तान शान मसूद, कोच जैसन गैलेक्सी और टीम मैनेजमेंट की जानिब से और सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पर बातचीत करना शुरू कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद अब अगला इम्तिहान अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो पाकिस्तानी टेस्ट मैचों की सीरीज है। ज़राए का कहना है कि टीम के इब्तदाई स्क्वाड के लिए कप्तान शान मसूद, कोच जैसन गैलेक्सी और सिलेक्शन कमेटी ने बातचीत का बाकायदा आगाज कर दिया है। ज़राए का कहना है कि T20 कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रेस्ट देने का सोचा जा रहा है और टेस्ट टीम में हारिस रऊफ का नाम जेरे गौर नहीं होगा। फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह, शाहनवाज धानी, मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल की शमूलियत यकीनी है। तो फिलहाल इतना ही, sport.pk को सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।